हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिंदी क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने द तक देखा था, द से दरवाजा। आज हम लोग क्या देखने वाले, ध। ध से क्या होता है, धनुष। ध से क्या होता है, देखो ये क्या है, धनुष है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, ध से धनुष। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ध लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है ध, देखो आपको थ्री लाइन्स करनी है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, फिर उसके बाद ध लिखना है। तो आपको पहले ऐसे राउंड करना है, फिर ऐसे हाफ कर्व करना है, फिर एक और कर्व लेना है इसे, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करनी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ध। ध से क्या होता है, ध से धनुष। ओके, ऐसे एक राउंड करो ऊपर, फिर ऐसे कर्व करो हाफ, फिर ऐसे कर्व करो नीचे, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया हमारा ध। ध से क्या होता है, ध से होता है, ध से धनुष। ओके, तो ये आपको ध से धनुष आपकी नोटबुक में लिखना है, ध से धनुष। ओके, तो आप ये नोटबुक आपके होमवर्क में कंप्लीट कर देना। चलो, फिर उसके बाद ध। ध के बाद क्या आता है, ध के बाद आता है न। न से क्या होता है, नल। न से नल होता है, जिसे पानी आता है, ये क्या है, न से नल। क्या है, न से नल, नल। अब आपको आपकी नोटबुक में क्या लिखना है, न लिखना है। तो वो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको एक स्मॉल ऐसे राउंड करना है, फिर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन करके, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करनी है, इजी है। फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन कर दो न, ठीक है, स्मॉल ऐसे राउंड करो, फिर ऐसे स्लीपिंग लाइन कर दो, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। बहुत ईजी है, आपको आ जाएगा इजीली। न बनाना है आपको आपकी नोटबुक में। ओके, तो ये आपकी नोटबुक में न से नल कंप्लीट कर देना। क्या करना है, न से नल, क्या होता है, न से नल, ध से धनुष और न से नल। ओके, तो क्या देखा हमने, ध से धनुष, न से नल। अब क्या आएगा, प। अब क्या आएगा, प। प से क्या होता है, प से होता है पतंग। ये तो बहुत इजी दिख रही है ना आपको, पतंग। आप लोग उत्तरायण पे पतंग उड़ाते हो ना, प से पतंग। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प लिखना है। तो ऐसे आपको क्या करना है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करो, फिर स्लीपिंग लाइन करो, और फिर वापिस से फुल स्टैंडिंग लाइन करो, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, प। जैसे आप आपके इंग्लिश में फोर बनाते हो ना, वैसे बना के आपको क्या कर देना, ऊपर स्लीपिंग लाइन कर देनी है। आप इंग्लिश में फोर बनाते हैं ऐसे करके, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा प। प से क्या हो गया, प से पतंग, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना है आपकी नोटबुक में। तो हमने क्या देखा, ध से धनुष, न से नल और प से पतंग। क्या देखा, ध से धनुष, न से नल और प से पतंग। ये आपको आपकी नोटबुक में पूरा पेज कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।